Hello dear students, so in the today's session we will discuss very important topic effective revision strategy. For gate IAS or for any other competitive examination. तो टॉपिक ये रहेगा आज के डिस्कशन का इफेक्टिव रिविजन स्ट्रेटेजी. इसके बारे में एक्चुअली देखिए, जब हमने स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी प्रिपरेशन के लिए, एग्जाम के लिए, हाउ टू कीप योर सेल्फ रेडी, एग्जाम की स्ट्रेटेजी कई तरीके से डिस्कस की जा चुकी है. उसमें एक्चुअली मैंने बहुत शॉर्ट में बताया भी था कंप्लीट स्ट्रेटेजी में कि जब रिविजन करें तो कैसे. तो एज पर द स्टूडेंट डिमांड इट नीड्स टू बी इलाबोरेटेड. तो स्टूडेंट ने कहा था कि जरा इसको इलाबोरेट करके बताइए. तो आज के सेशन में इसी पे मेनली फोकस करेंगे कि रिवाइज कैसे करना है, रिविजन के लिए क्या तरीका होना चाहिए. सो लेट अस स्टार्ट द सेशन. इट इज़ माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन. माई सेल्फ कैसर हफीज, एक्स आई एस, बी टेक ऑनर्स फ्रॉम आई आई टी रुड़की इन ईयर 2000 एंड सन 2000 से अब तक. नाउ इट्स बीन 20 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ आई एस गेट पी एस यूज. ये अब हो चुके ऑलमोस्ट 20 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस. ठीक है ना, बी टेक के बाद से एक्चुअली मैं इसी प्रोफेशन में आ गया था टीचिंग में. पहले पार्ट टाइम और बाद में फुल टाइम और अब ओवर टाइम, है ना. एक्चुअली अगर 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं किसी फील्ड में तो वो ओवर टाइम ही काउंट होता है. तो ऑब्वियसली 8 घंटे की तो क्लास ही हो जाती है, फिर बाकी के काम भी रहे, इसलिए मैंने ओवर टाइम कहा भी है. पर इन बिटवीन आई हैव क्वालिफाइड आईएएस 5 टाइम्स विद टॉप रैंक एज 2. ये साथ साथ ही टीचिंग के मैंने अपेयर किया था इंजीनियरिंग सर्विस में, सिविल सर्विस में. सिविल सर्विस फाइनल क्वालिफाई नहीं किया, इंजीनियरिंग सर्विस 5 टाइम्स. ये 5 टाइम्स क्वालिफाई, ऑल इंडिया रैंक 2. प्रेजेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी इंजीनियर जोन ई लर्निंग. ये नाम भी है इंस्टीट्यूट का हमारे, इंजीनियर जोन एजुकेशन, इंजीनियर जोन ई लर्निंग, ई लर्निंग मॉड्यूल में जिसका टाइप है अनएकेडमी के साथ. एंड अंडर द बैनर इंजीनियर जोन पब्लिकेशन. आई हैव रिटन मोर देन 20 टेक्स्ट बुक्स एंड गाइड बुक्स. ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के सभी सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट टेक्निकल के टेक्स्ट बुक, गाइड बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सॉल्यूशन, प्रैक्टिस, सारी चीज़ें. मैथमेटिक्स भी इसमें इंक्लूड हो जाता है. अनअकैडमी, बस ये तो नाम ही काफ़ी है, बेहतर जानते हैं आप लोग अब तो. टीम मेंबर जे एस गिल, सौरभ पांडे, माई सेल्फ, रजत, अनिरुद्ध, सिद्धार्थ. अब इसमें मैं ये बस एक स्लाइड में जरा मॉडिफिकेशन कर देता हूँ कि गेट का कोर्स भी इसी में आ गया. ई एस गेट एक ही सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल है, स्टूडेंट के लिए बहुत फायदे की बात है. अब सब्सक्रिप्शन फीस देखो भैया, 6 मंथ का ये, 12 मंथ का, 1 मंथ, 3 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन है. अलग अलग सब सब्जेक्ट की क्लास मिलती है, जीएसबी टोटल. और अगर ये जो रेफरल कोड यूज़ करते हैं हम हमारा, तो 10% डिस्काउंट के बाद आपको तो केवल यही पे करना है 22,500. ये हमारा रेफरल कोड है इंजीनियर्स जोन, ये कंपनी का नाम भी है. बाकी इंजीनियर जोन का जो स्टडी मटेरियल है, बस थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका, फिर रिविजन स्ट्रेटेजी पे ही आ जाते हैं हम. देखिए, जैसे स्टडी मटेरियल के बारे में स्टूडेंट पूछते हैं, अनअकैडमी अपना स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं करता, तो आप इंजीनियर जोन हमारा स्टडी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं. हाईली डिस्काउंटेड रेट पर आपको अवेलेबल हो जाएगा ये. हाईली डिस्काउंटेड रेट,
स्टडी मटेरियल में जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक्स तो मेरी ही लिखी हुई हैं खुद। जनरल स्टडी में मैथमेटिक्स और मटेरियल साइंस मेरे सब्जेक्ट हैं। बाकी ब्रांच सिविल मैकेनिकल सभी ब्रांचेस का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है ना। तो सभी ब्रांचेस का इंक्लूडिंग सिविल मैकेनिकल, ईईसी तो खुद मेरी लिखी हुई बुक्स हैं इसमें, तो ये सब कुछ अवेलेबल है इसमें। देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन है, गेट ईएस के टेक्स्ट बुक है थ्योरी की, और साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं सोल्ड अनसोल्ड, अनसोल्ड जो क्वेश्चन पेपर के साथ, तो कंप्लीट पैकेज की तरह, ठीक है ना। अब देखिए जो प्रेजेंटली कोर्स हैं, मेंस का कोर्स हो गया ये एडवांस ईएससी 2020 मेंस, रनिंग में है सक्सेसफुली रनिंग। ईसी और इलेक्ट्रिकल में यू कैन लुक एट मी, इसमें तो मैं क्लास भी ले रहा हूँ अभी, डेली क्लास चल रही है इसमें। बाकी सिविल मैकेनिकल सभी ब्रांचेस के लिए ये वाला कोर्स अवेलेबल है, ठीक है ना। ये खास तौर से तो उनके लिए जिनका प्री क्वालिफाई हो गया, लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने बताया था रिवीजन स्ट्रेटेजी में भी इस बात को मैं बताऊंगा, दरअसल ये भी रिवीजन के लिए बहुत अच्छा तरीका होता है। खैर ये हो गया प्रीलिम्स का बैच, एलिवेट ईएससी प्रीलिमिनरी सभी ब्रांचेस का, ठीक है ना। इट्स अराउंड 9 मंथ ड्यूरेशन का है ये, इसमें ईएससी 2021 को फोकस किया जाएगा। इसी तरह अभी जो एक प्रेजेंट कोर्स रनिंग है, जैसे मैंने आपको इस स्लाइड में बताया था, सॉरी ये वाली स्लाइड देखते हैं, ये वाली, ये यूपीपीएससी का भी कोर्स है, डिस्कशन थ्रू क्वेश्चन और गेट के भी कोर्स हैं, उसकी स्लाइड अवेलेबल नहीं है। तो खैर चलिए अब शुरू करते हैं ये वाला डिस्कशन। देखो अब जरा इसमें इफेक्टिव रिविजन स्ट्रेटेजी, पहली बात तो ये कि रिविजन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये डिस्क्रीट प्रोसेस नहीं है। रिविजन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, नॉट डिस्क्रीट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कहेंगे यहाँ भी सिग्नल सिस्टम आ गया, कंटिन्यूअस नॉट डिस्क्रीट है बेसिकली। तो रिवीजन को ऐसा मत मान कर चलें कि पहले सिलेबस पूरा कर लेंगे या फिर रिवीजन कर लेते हैं, या फिर ये कहें कि महीने में 4 दिन रिवीजन के, बाकी 25 दिन 26 दिन पढ़ाई के हो गए। तो मेरे ख्याल से, देखो मेरे ख्याल से का मतलब ये है एज़ पर माई एक्सपीरियंस, मैंने आपको बताया मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, खुद एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पर भी, कि ये कंटिन्यूअस प्रोसीजर है, इसको आप कंटिन्यूअसली लेकर चले, ठीक है ना। अब वो कैसे वो डिस्कस करेंगे हम, ये मत छोड़े कि इसको लास्ट के 2 महीने में डिस्कस कर लिया जाएगा। मोर ओवर देर इज बेसिक डिफरेंस इन द कंपेटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल एज इन द सेमेस्टर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। देखो सेमेस्टर एग्जामिनेशन में कैसे करते हैं तैयारी, ये आपकी ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपने खुद की भी बात कर रहा हूँ, हम लोग भी कैसे करते थे वहाँ पर। वहाँ जनरली ये होता था कि जैसे कि सेमेस्टर में 2 टेस्ट सीरीज होते हैं, उस टाइम पढ़ लिया, फिर एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन कर लिया, ये एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले प्रिपरेशन लीव है, उसमें बंद हो गए टोटल, उसमें बैठ कर पढ़ रहे हैं पूरे तरीके से, ठीक है ना। और क्या होता था कि फिर ढूंढ दे नोट्स, लाओ भाई क्या पढ़ना है, ये भी है वो भी है सब कुछ। और दूसरी बात, कई चीज़ तो नहीं भी उसी टाइम पढ़ते थे, फिर ये होता था जो टेस्ट सीरीज 1 में पढ़ा था हमने 4 महीने पहले, वो अब सेमेस्टर के टाइम रिवाइज कर दे, बीच में छूट गया, वो चीज़ें सेमेस्टर एग्जामिनेशन में काम कर जाती हैं। आई थिंक आजकल भी यही चीज़ है, हमारे टाइम में तो देखो ऐसे ही था, ठीक है ना। मैं पर्सनली ये नहीं कह रहा हूँ कि आज के स्टूडेंट जैसे पुराने ज़माने की तरह हम ये करते थे हम वो करते थे, आज के टाइम ये है और वो है, ऐसा कुछ नहीं, ज़माना लगभग एक सा ही था सारा। एज ए स्टूडेंट सब लोग एक से ही होते हैं, हम भी ऐसे ही पढ़ते थे जैसे आप लोग आज पढ़ते हैं। तो खैर उसमें क्योंकि ये था कि कुछ भी पढ़ लो बस कुछ लिखाएंगे, वहाँ तो ये होता है ना कुछ भी है लिखाएंगे कुछ, क्यों देखिए पैटर्न थोड़ा अलग है। सेमेस्टर एग्जामिनेशन में ये सोचा जाता है जनरली, टेस्ट सीरीज में तो खैर अलग होता था 80s में भी हमारे टाइम में, लेकिन सेमेस्टर में जनरली लीनियंट मार्किंग हो जाती थी। टीचर भी ये सोचते रहे भाई इसमें कुछ लिखाओ मैं कुछ नंबर दे दूँ, जैसे 10 मार्क का क्वेश्चन आया थ्योरी का
तो थोड़ा बहुत रिलीवेंट है कुछ लिख दिया तो दो तीन नंबर तो मिल ही जाएंगे। इस प्रोबेबिलिटी पे खेलते थे वहाँ की, हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लो। तो वहाँ रिवीजन वगैरह सारी चीज़ें लगती, लेकिन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अब आप खुद बेहतर जानते हो, भले ऑब्जेक्टिव हो या कन्वेंशनल, कन्वेंशनल मतलब ESE मेंस के लिए, जब तक कोई चीज़ आपको प्रॉपर नहीं आएगी, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज नहीं होगी, जब तक कोई फ़ायदा नहीं उसको पढ़ने का, क्योंकि यहाँ खेल बाइनरी है, 0 और 1, या तो आपको नंबर मिलेगा या नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा, बल्कि नेगेटिव भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि गेट का क्वेश्चन आया या ES का प्रीलिमिनरी का आपने कुछ लिख दिया तो नंबर मिल जाए। इवन ESE मेंस में कन्वेंशनल क्वेश्चन में भी ऐसा नहीं होता कि कुछ भी लिख दो कुछ तो नंबर मिलेगा ही, ऐसा नहीं होता। स्टेप मार्किंग होती है सारी चीज़ें, ठीक है ना, मेंस की स्ट्रेटेजी के टाइम मैंने आपको बताया भी था, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपसे पूछा गया बस थोड़ा बहुत सही लिख दिया, बाकी कुछ भी लिख दो, पेज भर दो तो नंबर शायद 0 भी मिल जाए। और अगर थ्योरी बहुत अच्छी है 10 आउट ऑफ 10 भी है, 10 आउट ऑफ 8 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10 अच्छे मार्क्स ही मिलते हैं, पूरे नंबर ही मिल जाते हैं थ्योरी में। ESE मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, रिविज़न करना भी काफ़ी है। कैसे पढ़ना है, क्या तैयारी, ब्रेकअप कैसे, स्ट्रैटेजी, वो तो हम डिस्कस कर चुके कई बार। अब रिविज़न को देखो क्या तरीका होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कि सपोज़ करो आपने फैब से शुरू किया, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो या कोचिंग के थ्रू कर रहे हो, जो भी मेरी क्लास जो करते हैं ई इसी वाले, उनको तो मैं बताता भी रहता हूँ कि अब ये सब्जेक्ट है तो आप इस सब्जेक्ट को रिविज़न करते चलो। बल्कि मेरी कोशिश होती है सब्जेक्ट का सिक्वेंस ऐसा रखने की, जैसे मैं नेटवर्क पढ़ा दिया, नेटवर्क कंट्रोल करा दिया, उसके बाद मशीन करा रहा हूँ या EDC एनालॉग, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का तो मशीन नहीं होता, EDC एनालॉग मान लो, उसमें जब नेटवर्क का यूज़ आता है मैं कहता भी हूँ देखो ये चीज़ मैंने समझाई थी, अब आप इसको रिवाइज़ करो। सबसे पहले तो ये होना चाहिए जब आप सब्जेक्ट को कोरिलेट कर रहे हो, ट्राई टू कोरिलेट द सब्जेक्ट्स, जब आप सब्जेक्ट कोरिलेट कर रहे हो, एक सब्जेक्ट में दूसरे सब्जेक्ट की एप्लीकेशन आ गई तो उस टाइम पे रिवीजन करके आ जाओ, प्रॉपर सिक्वेंस रहना चाहिए। अच्छा, कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब, हाँ पहले इसी को एक्सप्लेन करें। फॉर एग्जांपल फेब मंथ में आपने, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ ESE के लिए, बाकी सिविल मैकेनिकल भी उसी हिसाब से कोरिलेट कर लें। देखो मान के चल रही कि बेसिक सब्जेक्ट पहले कर लिया, जैसे मैकेनिकल में थर्मोडाइनमिक्स होता है, वो तो होगा क्या उससे, ये नहीं है कि फैब में कंप्लीट कर लिया अब वो बिल्कुल गेट के टाइम ही उठाया जाएगा, बल्कि मेरा मानना है जब आपने जस्ट अभी कंप्लीट किया सब्जेक्ट तो नेक्स्ट मंथ में उसको थोड़ा थोड़ा टाइम डेली आप दे सकते हो। वो कितना टाइम, ज़रूरी नहीं है कि 2 घंटे, 1 घंटा भी काफ़ी है, इवन हाफ एन आवर भी काफ़ी है। 4 घंटे एक हफ्ते में देने से ज़्यादा अच्छा है, आधा आधा घंटा आप हर सब्जेक्ट को दो। अब आधे घंटे से आप ये मत सोचो कि आधे घंटे में तो मूड बनाने में लग जाता है पढ़ाई में, भाई मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इफ़ेक्टिव टाइम ऑफ स्टडी। अब अगर वो मूड बनाने में, टेम्पो बनाने में टाइम लगता है, वो इससे अलग है, फिर वो आपकी ज़िम्मेदारी है कि मतलब आप टेबल पे बैठते हो, थोड़ा सोचते हो, फिर पढ़ाई करते हो, तो 45 मिनट में इफ़ेक्टिव, 30 मिनट में इफ़ेक्टिव बात कर रहा हूँ। अब 30 मिनट्स में अगर आप ये सोचते हो कि होगा कुछ भी नहीं, ऐसी बात नहीं है, भले आप 2 क्वेश्चन रिवाइज करो सब्जेक्ट के, लेकिन 2 ही कर दो रिवाइज, कंटिन्यूस चलना चाहिए, मेरा मतलब यह कहने का, नेक्स्ट डे थोड़ी सी थ्योरी, फिर 2 क्वेश्चन और, ठीक है ना। अब उसके बाद जब थर्ड मंथ में आते हो इस प्रिपरेशन के, जो सब्जेक्ट आप पहले मंथ में कर चुके हो, अब उसका टाइम थोड़ा बढ़ा सकते हो, अब उसको रिविज़न कर सकते हो वीकली, कि वीक में 2-3 घंटे लगा रही हो उसमें, ठीक है ना। थर्ड फोर मंथ में ऐसा कर सकते हो कि वीकली वीकली उस सब्जेक्ट को रिवाइज़ करो, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा। अब जैसे कि लास्ट में आता है जब आप कर सकते हो कि मंथ में केवल 4 दिन लगा दिए, अब हो सकता है ये, तो कंटिन्यूस भी हो गया कुछ हद तक, डिस्क्रीट भी, लेकिन लगातार चलता रहेगा वो, तो उसके बाद आप कर सकते हो कि मंथ में, जब आपके रिवीजन का वो तरीका चल रहा है, मतलब उस सब्जेक्ट को केवल 4-5 महीने हो गए जब की बात होती है वो। लेकिन अगर आप शुरू में बिल्कुल पढ़ के उठा कर रख देते हो फिर कोई फ़ायदा नहीं, सॉलिडिफाई करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। दूसरी बात ये, फर्स्ट टाइम रिवीजन कैसे होता है, सेकंड टाइम रिवीजन कैसे होता है, और फाइनल रिवीजन, थर्ड या फोर्थ को मैं फाइनल रिवीजन कहता हूँ, क्योंकि 3 बार से ज़्यादा रिवाइज करने का टाइम भी नहीं मिलता ऑब्वियसली, ठीक है ना। 3 का 3 रिवीजन काफ़ी होते हैं,
दो भी वैसे तो काफ़ी हो जाते हैं, लेकिन चलो हम इतना मान लेते हैं। तो खैर कंटिन्यूअस प्रोसेस में मैंने क्या बताया आपको अभी, सपोज इन द मंथ ऑफ फेब सब्जेक्ट एक्स वन स्टडीड ये भी पढ़ाई है, सब्जेक्ट है ना, सेल्फ पढ़ाई की है या क्लासेस के थ्रू हो गया है ये वाला। मैं चाहूँगा मार्च में जब आप नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो इस सब्जेक्ट का एक्स वन का डेली रिवीजन करना चाहिए आपको, डेली रिवीजन हो सकता है 30 मिनट्स पर डे ही हो सकता है 1 आवर पर डे ही हो। कैसे? वो इसलिए जब आप शुरुआत में हो, दो ही सब्जेक्ट पढ़ते हो एक साथ, जनरली शुरुआत में टाइम अच्छा खासा रहता है, कम से कम उनके लिए जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे, उन लोगों के लिए जो फोर्थ ईयर भी है जिनका या जॉब के साथ है, उनके लिए फिर चीज़ें थोड़ा सा बदल जाएंगी इसमें। तो अब इसमें 30 मिनट्स या 1 घंटा भी आप रख सकते हो, डिपेंड करता है टाइम कितना आपके पास, लेकिन मेरा मानना ये था 30 मिनट लिखने का, आधा घंटे की डेली रिविज़न होना चाहिए इसका। डेली रिविज़न करो, हो सकता है कि इसमें 2 महीने आपको लग जाएं, फिर मार्च अप्रैल। अगर टाइम आप इसको ज़्यादा दे सकते हो 1 घंटा पर डे, तो हो सकता है कि 1 महीने में भी काफ़ी हो जाए, 2 घंटे भी लगा सकते हो, 2 घंटे ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो वही बात हो जाएगी डिस्क्रीट कि बस मार्च में रिवीजन किया, 7 दिन में निपटा दें जल्दी जल्दी फिर छोड़ दिया, नहीं ऐसा नहीं करना है। 2 घंटे तो बहुत ज़्यादा होते हैं रिवीजन के एक सब्जेक्ट के, 1 घंटा भी काफ़ी है 30 मिनट्स में। अब मार्च अप्रैल में, अब इसके लिए मे मंथ ऑफ मे जून जुलाई इन दीज 3 मंथ्स इस सब्जेक्ट के लिए, अब आप इसमें आ सकते हो वीकली रिवीजन। ठीक है ना, 1 वीक में 1 दिन लगा सकते हो या 2 दिन दे सकते हो आप, जैसे सैटरडे संडे में इसके लिए डेडिकेट कर देते हैं। अब भाई वीकेंड वालों की तो बात ही अलग है क्योंकि वीकेंड वाले तो सैटरडे संडे लंबी क्लास करते ही हैं, तो उनके लिए फिर तरीका थोड़ा बदल जाता है। वीकली रिवीजन, अब वीकली रिवीजन में ये हो सकता है कि आप इसको 2 से 3 घंटे पर वीक लगा रहे हो उसमें, कोशिश करो कि पहला रिवीजन यहाँ पर कंप्लीट हो जाए, सेकंड रिवीजन ये वाला है। अब इसके बाद आने वाले मंथ में, इन द मंथ ऑफ अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर, यहाँ आपका रिवीजन मंथली हो सकता है कि आपने 4 डेज पर वीक इकट्ठा रख दिया बस अब इसमें, या 2-3 दिन भी रख दिया तो भी काफ़ी है 4 डेज पर वीक। इसके बाद तो सारा रिवीजन ही चलता है, नवंबर दिसंबर जनवरी, ये तो मैं पूरी तरह रिवीजन के ही मानते हूँ, रिवीजन मंथ, इसमें तो फिर अलग स्ट्रैटेजी हो जाएगी पूरा। मतलब ये है कि कंटिन्यूस लेकर चलो। देखो अब एक रफ मैंने आपको स्कीम दी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल 100% मैंने यही स्कीम फॉलो कर ली थी या डेविएशन नहीं था, ठीक है ना, या फिर कि बस यही वाली स्कीम सही है बाकी सब गलत हैं। ये बात मैंने आपको हमेशा भी कही है कि देखो हर टीचर का ओरिएंटेशन डिफरेंट हो सकता है, थोड़ा सा हर स्टूडेंट का तरीका डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना बात, और हो सकता है कि कंडीशन ऐसी हो कि आप बिल्कुल इसे फॉलो ना कर पाओ, लेकिन फिर भी देखो एक्चुअली होता क्या है, एक स्ट्रैटेजी तो बनाओगे ना भाई, एक आइडियलिज्म तो कंसिडर करोगे कि आइडियल कंडीशन ये है, अब जितना फॉलो हो जाए कोशिश करो कर लिया जाए उसको। टारगेट तो एक रख के चलते हैं ना डिसेंट अच्छे वाला, भाई आप टारगेट क्या रख के चलते हो, फॉर एग्जाम्पल तैयारी करना शुरू करते हैं तो टारगेट जनरली होता है भाई ES बनना है इंजीनियर के लिए, कुछ लोग बहुत अच्छा एम्बिशन होती है कि सिविल सर्विस का भी टारगेट रखते हैं, तो ES के लिए रखते हैं, चलो गेट के लिए भी कि PSC की जॉब लेनी है, टारगेट वही रखते हैं। इसका मतलब ये भी है
कि भाई साथ में स्टेट पीएससी के भी एग्ज़ाम देते हैं, अलग से पीएससी के भी एग्ज़ाम दिए जाते हैं, यूपीपीएससी टाइप के एग्ज़ाम भी दिए जाते हैं, वो अलग बात है कि फाइनली किस्मत में क्या होता है, क्या क्वालिफाई करते हैं, वो सब चीज़ अलग है, लेकिन एक टारगेट अच्छा रखते हैं। तो ये टारगेट मतलब इस तरीके का होगा। जस्ट वन मिनट प्लीज। तो इसको कितना फॉलो कर पाए, ऑब्वियसली भाई कुछ इमरजेंसी पड़ जाती है बीच में, हो सकता है एक वीक निकल गया, एक महीना ऐसे कि नहीं कर पा रहे रेगुलर, या ये चीज़ छूट गई, सब कुछ कवर अप करने के लिए बाद का टाइम तो हमने रखा ही है। ये फैब में अगर गेट का एग्ज़ाम होता है तो नवंबर दिसंबर जनवरी, और अगर प्रीलिमिनरी के बारे में है तो फिर नवंबर दिसंबर तो है ही पूरा रिविज़न के लिए, वहाँ मेकअप किया जाएगा उस चीज़ को। ये वाला अच्छा, एक तो ये प्लानिंग हो गई, स्टडी का प्लान हो गया हमारा। अब इसमें दूसरी बात आती है जैसे ये सेकंड थिंग कि कंटिन्यूस प्रोसेस के बारे में और रिवीजन किस तरीके से किया जाए, कोरिलेशन ऑफ द सब्जेक्ट। कोरिलेशन ऑफ द सब्जेक्ट का मीनिंग मैं ये कहता हूँ, जैसे कि सब्जेक्ट्स एक्स वन कंप्लीटेड, एक्स टू ऑन गोइंग, या पढ़ रहे हो सेल्फ या कोचिंग में जैसे भी। अब यहाँ पे कहीं ज़रूरत पड़ती है एक्स वन के कंसेप्ट की, इसके कंसेप्ट ऐप यूज आती हैं, होता है ना सर, जो कंसेप्ट यूज आ रहे हैं अगर डायरेक्ट आपके आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कुछ भी ध्यान आ रहा पहले इसको रिवाइज करो साथ साथ, ज़रूरी नहीं पूरा सब्जेक्ट, जितने कंसेप्ट की ज़रूरत है रिवाइज करते चलो। ये नहीं कि चलो ठीक है कुछ ऐसे था अभी तो कर लेते हैं बढ़ जाते हैं आगे, कि ये तो पढ़ रखा है मैंने हो ही जाएगा आगे बढ़ जाऊँ, नहीं, वहीं पे उसको सॉलिडिफाई करते चलो। ये होता है कोरिलेट करना सब्जेक्ट को, भले आपका रेगुलर एक्स वन रिविजन में भी चल रहा है लेकिन इसके लिए वो चीज़ आप पढ़ लो एक बार, इसको मिस मत करो ऐसे। फिर इसमें अब देखो जैसे किसी सब्जेक्ट के रिवाइज करने का तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ये भी होता है कि रिवीजन क्वेश्चन के थ्रू किया जाए या रिवीजन कंसेप्ट के थ्रू किया जाए या केवल टेस्ट सीरीज दी जाए। देखिए उसमें किसी भी चीज़ पे एकदम तो रिलाय नहीं कर सकते, इसका कोई एक आंसर नहीं होता, जैसे कि ना तो ये बात पूरी तरह सही होती केवल टेस्ट सीरीज से काम चल जाएगा, ना ही ये सही होती बात पूरी तरह कि केवल बिना टेस्ट सीरीज के काम चल जाएगा और केवल टेस्ट सीरीज से ही सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं। देखो फर्स्ट रिवीजन आफ्टर कंप्लीशन, फर्स्ट रिवीजन उसी तरह है जैसे आप पढ़ते हो नोट्स से, नोट्स बनाने चाहिए ऑब्वियसली, आपके अपने हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, बहुत सही होता है वो, कुछ लोग होते हैं आदत नहीं होती नोट्स बनाने की, माई सेल्फ, मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए किसी भी टाइम में, नाइदर एज ए स्टूडेंट नोर एज ए टीचर, जनरल स्टडी के जरूर बनाए थे, ये भी आपको बता दूँ, सिविल सर्विस की तैयारी के टाइम उसके बनाने पड़ गए थे, क्योंकि बाकी या तो ये हो सकता है क्योंकि मैं साइमल्टेनियसली टीचिंग प्रोफेशन में था तो मेरा रिवीजन लगातार होता रहता है, सब्जेक्ट तो पढ़ा ही रहे हैं इसलिए शायद ज़रूरत ना पड़ी हो, अगर केवल तैयारी की होती तो शायद ज़रूरत मुझे पड़ती नोट्स की। मेरा मतलब कहने का यह है कि आप नोट्स ज़रूर बनाओ फिर भी। अब नोट्स जो बनाते हो आप, क्लासरूम नोट्स हो सकते हैं वो जो आप पढ़ रहे हो क्लासरूम नोट्स, या सेल्फ प्रिपरेशन में आप बुक से पढ़ रहे हो कहीं से उससे नोट्स बना रहे हो, अपने हिसाब से ज़रूर बनाओ, केवल ऐसे मत सोचो कि बुक में हाईलाइट करके छोड़ दो, मेरा मानना है नोट्स अपने होने चाहिए, इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता, जब आप लिखते हो तो भी आप कंसंट्रेट करके लिखते हो, माइंड में एक उसकी इमेज बनती है वो भी काम आता है, तो आप अपने नोट्स के थ्रू, ठीक है ना, वाई नोटबुक्स, वाई नोट स्टैंडर्ड बुक्स, इसके बारे में
ये भी एक अलग क्वेश्चन हो गया है ना, बड़ी जीप गुत्थी है स्ट्रैटेजी वगैरह भी। एक क्वेश्चन करते हैं, एक का आंसर करते हैं, 10 क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। नहीं, वाई नॉट स्टैंडर्ड बुक्स या हाईलाइट की हुई बुक। रिमेंबर वन थिंग, इस बारे में अपना एक अलग अलग व्यू होता है हर टीचर का, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है या नहीं। पर्सनली देखो, मेरा ये मानना है, शायद आप मेरी बात से एग्री हों या हो सकता है भाई ना भी हों, लेकिन मेरा मानना देखिए ये है, कि स्टैंडर्ड बुक से अगर आप पढ़ते हो तो ऑब्वियसली टाइम आपको ज़्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है ना। आज के टाइम में जब इतना सपोर्ट आपके पास अवेलेबल है, मैं बात वो नहीं कर रहा हूँ कोचिंग की या अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन की, कि आप क्लास कर रहे हो फीस आपने दे रखी है, अगर आप सेल्फ भी कर रहे हो तो भी, तो अगर आप यही अंदाज़ा लगा लो, बाकी दुनिया का तो चलो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन अनअकैडमी का कितना सपोर्ट आपके पास है। स्पेशल क्लास फ्री होती है, यूट्यूब की क्लास फ्री है, जिसमें क्वेश्चन भी डिस्कस होते हैं, कंसेप्ट भी। फिर आज के टाइम में स्टैंडर्ड बुक के ही बेस बुक्स आसान लैंग्वेज में भी लिखे हैं, जैसे मैंने अपनी बुक्स बताई थी। तो मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि मैंने जो बुक लिखी है वो स्टैंडर्ड बुक के लेवल की है, उसकी या उससे बहुत बढ़िया करके लिख दी, मैं कभी ये कह ही नहीं सकता हूँ कि मिलमैन अली क्यास तो कुछ भी नहीं है, मेरी बुक देखो, ऐसा कुछ नहीं। देखो, अगर सही मायनों में कंपैरिजन करूँगा तो मिलमैन अली क्यास जैसी बुक कोई लिख ही नहीं सकता मेरे ख्याल से, कम से कम मेरे जैसे कोई टीचर तो शायद ना लिख पाए, वो पॉसिबल नहीं, पूरे शायद 20 साल लगा कर भी, पूरी उम्र भी लगा कर। लेकिन ये ज़रूर है कि जितना गेट ईएस के लिए ज़रूरी है, मैंने एक्सट्रैक्ट की वो चीज़ें किसी एक बुक से नहीं, अपनी कुछ नॉलेज भी लगाई है, अपने कंसेप्ट भी उसमें लगाई हैं, अपना एक्सपीरियंस लगाया कि स्टूडेंट को कहाँ कहाँ पर डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा रहता है कि जब मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो, तो स्टूडेंट को किस किस जगह क्वेरी आती है, कौन से डाउट ऐसे सबसे ज़्यादा पूछते हैं, वही मैंने कंसनट्रेट करके बुक्स में लिखे भी हैं। लैंग्वेज उसकी बहुत आसान है, देखो जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है ना भाई, ये वाली इंग्लिश जो होती है, हमारा एक्सेंट होता है नॉर्थन इंडिया के, तो नॉर्थन इंडिया के तो आसानी से समझ सकते हो ना, तो ऑब्वियसली तो वो काम आपका आसान हो जाता है। दूसरी बात ये है कि अगर सब कुछ देखो स्टैंडर्ड बुक से हर स्टूडेंट के समझ में आ ही जाता है, तो भाई फिर हमारी क्या ज़रूरत पड़ती है हमारे सपोर्ट की। और फिर ये है कि समझ में तो आ जाएगा, लेकिन टाइम कितना लगाना पड़ेगा। बिलीव करो आप, हमारे टाइम में ये चीज़ें सारी अवेलेबल थी नहीं, और पर्सनली मैंने एज ए स्टूडेंट कभी कोचिंग नहीं की, सिर्फ जनरल स्टडी के करंट अफेयर का जो 10 दिन की क्लास थी स्पेशल, वो मैंने की थी एक जगह, एक कोचिंग में, जब सिविल सर्विस मेंस लिख रहा था। अदरवाइज़ एज ए स्टूडेंट मैंने कभी कोई क्लास, कोई कोचिंग नहीं की है जिसमें जो भी, क्योंकि मुझे सेल्फ प्रिपरेशन ज़्यादा सही लगती थी, क्लास में बैठना इतनी देर वो मुश्किल काम लगता था। खैर, जब फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं थी, अगर ये ऑनलाइन क्लास जैसी फैसिलिटी होती तो मैं 100% ये ऑनलाइन क्लास करता, क्योंकि इसमें अपनी मर्जी से जब भी बैठ के क्लास कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ये तो बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। ये चीज़ें खैर थी नहीं जब, तो स्टैंडर्ड बुक्स से मतलब अगर पढ़ते भी है, टाइम भी तो किल होता है ना, टाइम भी तो बहुत ज़्यादा लगता है। आज कंपटीशन का टाइम है अच्छा खासा, और आपके पास फैसिलिटी यूज़ करो। फिर मोर ओवर एज ए टीचर, जैसे मैंने कई बार कहा है कि अगर मेरी क्लास करने के बाद आपको बुक रेफ़र करने की ज़रूरत हो, आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत हो जाए, तो भाई इसका मतलब फिर हमारे पढ़ाने का क्या फ़ायदा है, या इसका मतलब हम पूरी तरह डिलीवर नहीं कर पा रहे, टीचिंग में कुछ कमी है इसका मतलब। इसलिए मैंने कहा है कि नोट्स के थ्रू करो, इसके थ्रू जब आप रिविज़न करते हो बिल्कुल ऐसे ही जैसे X1 सब्जेक्ट का रिविज़न कर रहे हो, Chapter 1 पहले इसकी थ्योरी, फिर सोल्ड एग्जाम्पल्स जो आपके नोट्स में हैं, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गेट IAS के, PYQ मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो नॉर्मल सा प्रोसीजर है। Chapter 1 के बाद Chapter 2 बिल्कुल इसी तरह, फिर Chapter 3 बिल्कुल इसी तरह, 2, 3, 4 चलते चले जाओ इसी तरह, नो प्रॉब्लम। ये रिवीजन आप हमेशा फॉलो करते हो, ये पहला रिवीजन होता है। अगर इसी तरह हमेशा सेकंड थर्ड रिवीजन करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। जैसे
होता क्या है कि एक दो चैप्टर तक टेम्पो बना रहता है, एक दो चैप्टर तक बढ़िया तैयार हो जाता है, लेकिन तीसरा चौथा लास्ट के चैप्टर हमेशा वीक रह जाते हैं। उस तक आते आते कुछ पोटेंशियल का कम हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे रिवाइज करोगे भाई फिर आगे आप? सेकंड टाइम जब आपका रिवीजन होगा, सेकंड रिवीजन, अब आपको फॉलो करनी पड़ेगी रैंडम रिवीजन टेक्निक। प्रोबेबिलिटी में आता है रैंडम वर्ड, ठीक है ना? तो रैंडम रिवीजन टेक्निक क्या है? सब्जेक्ट एक्स वन का रिवीजन कर रहे हो, ये चैप्टर वन, चैप्टर टू, थ्री, ये हो गए टोटल चैप्टर टेन। क्या होगा रैंडम का मतलब, समझ गए? कहीं से भी। अब इसमें आप रिवीजन करो डायरेक्ट, सपोज चैप्टर थ्री का या चैप्टर नाइन और टेन का, बीच में से जरूरत नहीं कहीं से भी, श्योरली पहले से तो नहीं है ना? तो कैसे? चैप्टर थ्री, इसमें कोशिश करो, देखो थ्योरी, मतलब इसमें चैप्टर थ्री में है क्या थी थ्योरी, आप पहले पढ़ चुके हो एक बार, रिवीजन कर चुके हो, सेकंड रिवीजन है, ऐसा नहीं कि दोबारा से पढ़ो। अब आप उसके बेस पे कुछ लिखते जाओ अपने आप सोचकर। एक पेपर ले लिया, इसमें ये वाली कंसेप्ट थी, ये कंसेप्ट थी, ये फार्मूला ऐसे था, थोड़ा सा रफली, ये नहीं कि एक एक वर्ड लिखो, लेकिन अंदाज से वो चीज़ें समराइज कर दो। फिर थ्योरी जब आपने रिवाइज की, नोट्स में जब भी थ्योरी देखनी है, अब जब आप कहीं पर बीच में अटक जाओ सपोर्ट लेने के लिए, ऐसे नहीं कि दोबारा से बस पढ़ दो वैसे देख कर, या वो ईयरफोन वगैरह लगा के गाने सुन रहे हैं और कर रहे हैं, वो मुझे, मैं नहीं कह सकता उसको कुछ फ़ायदा होता भी है क्या। थ्योरी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, PYP एटसेट्रा जो भी, ये वाला। इसके बाद चैप्टर थ्री हो गया, अब आ जाओ चैप्टर किसी रैंडमली चैप्टर सेवन में। अब ऐसा हो सकता है चैप्टर सेवन में जब आप रिविज़न कर रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो, किसी ऐसी कंसेप्ट पे अटक गए जो चैप्टर टू की थी, यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ गई चैप्टर टू की, पढ़ते हुए इसमें चैप्टर टू की कुछ कंसेप्ट की, तो क्या करोगे? स्किप नहीं, यहाँ से आप टू पे चले जाओ, टू की थ्योरी पढ़ कर आओ, जितनी थ्योरी की आपको ज़रूरत थी। हो सकता है सारा चैप्टर टू भी पढ़ना पड़ जाए, कोई बात नहीं, चैप्टर टू में कुछ चीज़ पटक गए, वन पे चले जाओ, फिर पढ़ कर आओ, फिर वापस आ जाओ सेवन पे। ये जो मिक्सिंग्स होती है ना, कि हम पढ़ तो रहे थे, जाना था चीन, पहुंच गए जापान, कहते थे ना, वैसे भी आजकल तो कोरोना वगैरह है, कहीं जाना तो है ही नहीं अभी, है ना, क्वारंटाइन आजकल तो बंद ही रहना है, फिर भी तो मतलब होता है कि चैप्टर सेवन पढ़ने चले तो उसमें ज़रूरत पड़ गई चैप्टर फाइव की, फाइव में ज़रूरत पड़ गई टू की, टू में वन की, पढ़ने तो सिक्स गए थे, अटक गई कहीं कहीं, अटक जाओ, मैं वही तो मैं चाहता हूँ। एक चैप्टर रिवाइज करते करते बीच में आपने अगले दो तीन चैप्टर और कर लिए, अब इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी रिवाइज करने की, सेवन के बाद नाइन टेन एट कुछ भी आ जाओ। ये जो बाजीगरी सी करते हो आंकड़ों की, सेवन के में सिक्स, सिक्स में सेवन, इसमें यहाँ वहाँ, ये बहुत ज़बरदस्त टेक्निक होती है, लेकिन कब? सेकेंड डिविजन, बता रहा मैं। मैंने ये नहीं कहा कि आप शुरू से ही ऐसे पढ़ो, फिर तो समझ में नहीं आएगी। जब एक बार आप तैयारी कर चुके हो, एक बार रिवीजन कर चुके हो, जब काम करती है टेक्निक, पहले ऐसा रिवीजन करोगे ऑब्वियसली फिर नहीं होगा। तो ये जो रैंडम रिवीजन टेक्निक है, रैंडमली, क्योंकि होता क्या है, अदरवाइज तो ऐसा होगा कि हमेशा पहले चैप्टर पे हमारी पकड़ हो जाएगी, आगे आते आते वीक हो जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कहते हैं कि मशीन जब पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मर DC तक बढ़ा रहता है, सिंक्रोनस तो हमेशा वीक रह जाते हैं, तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर इसमें थर्ड रिवीजन, सब्जेक्ट का जो थर्ड रिवीजन होता है, और मे बी फाइनल रिवीजन,
शायद ही फोर्थ रिवीजन का टाइम आपको मिले, मिल जाता है तो अलग बात है फिर। एक बार सब्जेक्ट पढ़ना, तीन बार रिवाइज, बहुत कुछ हो जाता है, इससे ज़्यादा तो टाइम भी नहीं मिलता हमें। तो इसमें क्या टेक्निक फॉलो की जाएगी बताइए। अब यहाँ आप करोगे रिवीजन थ्रू क्वेश्चन, रिवीजन थ्रू रैंडम क्वेश्चन। मतलब कैसे, फॉर एग्जाम्पल यही सब्जेक्ट है एक्स वन, रियर एज के चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 10 ये इसके चैप्टर हैं। क्वेश्चन कौन से, पी वाई क्यूज, घूम फिर कर प्रीवियस ईयर पे नहीं टकना चाहिए। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कैसे पढ़ा जाता है, गेट के हों ईएस के हों, उसका ही मैंने आपको टेक्निक थोड़ा सा बताई थी वेबिनार जब लिया था लास्ट संडे, ये सेमिनार का टाइप का जो था वो, उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन में, कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको करना है तो क्वेश्चन को खुद थोड़ा सा बदल दो, क्योंकि अब थर्ड रिवीजन है ये, अब तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, ये होना चाहिए कि समझो एग्ज़ाम ही आप दे रहे हो। जैसे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपने लिया मैथमेटिक्स का, वहाँ कुछ आया था कि इस एरिया, ये जो कर्व है इसकी आर्क लेंथ बतानी है, आर्क लेंथ ऑफ द कर्व फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। उस क्वेश्चन को आप थोड़ा ये सोचो, क्या इसमें कैन आई डिटरमाइन सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन टू, क्या हम इन दोनों को भी डिटरमाइन कर सकते हैं क्या, सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन और वॉल्यूम को, यस, उसकी कोशिश करो क्वेश्चन में आगे। या आर्क लेंथ गिविन थी लिमिट 0 से 10, कुछ चेंज करके देख लो कि -1 से -5 तक क्या होगा, कुछ भी एस सच ऐसे, उसमें जरा आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करो क्वेश्चन में। पैराबोला गिविन है, क्या अगर क्यूबिक पैराबोला बना दे तो हो जाएगा, उससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि क्वेश्चन हो जाएगा तो सही बात है। कई बार ये भी हो जाएगा क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, क्यों, या तो कंसेप्ट में आप अटक गए या इंटीग्रल में अटक गए। अगर आप उस क्वेश्चन बदल के अटक भी जा रहे हो तो भी आपको अंदाज़ा होगा शायद इस टाइप का क्वेश्चन ना, इसमें इंटीग्रल उलझ जाता है, या इस टाइप का क्वेश्चन शायद ऐसा आ जाए ए बी सी डी में इंटीग्रल पर छोड़ दें, जैसे होता गया। ये किसी सब्जेक्ट के बारे में भी हो सकती है बात, में मेनली मैथमेटिक्स के एग्जांपल तो इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि सभी ब्रांच के स्टूडेंट इजीली कोरिलेट कर सके मेरी बात को, इजीली समझ सके कि रिवीजन के लिए क्या करना होगा। तो वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रैंडम क्वेश्चन ये आपको उठाने हैं कहीं से भी, रैंडम क्वेश्चन जैसे, क्योंकि अगर आप एक ही तरीके का क्वेश्चन बार बार करते रहोगे तो, जैसे कि कमेंट आया था एक स्टूडेंट का कि सर वो तो मेरे याद हो गए प्रीवियस ईयर के, लेकिन कॉन्फिडेंस फिर भी नहीं आ रहा, तो वो याद क्वेश्चन ही तो नहीं होने हैं, हम तो ये चाहते हैं कंसेप्ट याद रहे आपके। तो कैसे क्वेश्चन उठाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने चैप्टर 4 का एक क्वेश्चन उठा लिया कोई सा भी, क्वेश्चन कैसा हो सकता है वो, भले ही अभी आपका कंसंट्रेशन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर, गेट है या ईएससी प्रीलिमिनरी की बात हम करते हैं, इनमें तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, भी कन्वेंशनल तो नहीं है, क्या करना होगा, इसके थ्रू रिवीजन तरीका है। ज़रूरी नहीं कि आप प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाओ, कन्वेंशनल भी ले सकते हो, अजीब बात लगेगी मेरी कुछ आपको, लेकिन जैसे मैंने क्लास में पढ़ाया था आपको, प्रीलिमिनरी के टाइम में भी, गेट के टाइम में भी मैं एक दो कन्वेंशनल क्वेश्चन जरूर करा देता हूँ हर चैप्टर में, ज़्यादा तो ऑब्वियसली नहीं, वो इसीलिए जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए, प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया। कोई सा भी क्वेश्चन उठा लिया, जैसे रैंडमली वेक्टर कैलकुलस की बात कर रहे हैं हम, सरफेस इंटीग्रल का क्वेश्चन उठा लिया हमने कि ये रीजन है, ये कर्व है, लिमिट चेंज करनी है, क्या करना है इसका, ये क्वेश्चन उठा लिया मैंने रैंडम, इसको सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को आप करेंगे कैसे, अब क्वेश्चन करने से पहले सॉल्यूशन नहीं देखना है, ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है।
रिवीजन के टाइम में गलती क्या करते हो जब आप सामने अपने नोट्स रख के, जैसे मैंने कहा था ना रिवीजन थ्रू नोट्स, पहले रिवीजन ठीक है कि नोट्स देखते जा रहे हो करते जा रहे हो, लेकिन अब नहीं, अब आप केवल क्वेश्चन उठाओगे, वो भी केवल क्वेश्चन, सॉल्यूशन पर नज़र भी नहीं जानी चाहिए, आपकी कॉपी है पूरा पेज नहीं, कि पता चला ये क्वेश्चन है नीचे सॉल्यूशन दे रखा, आपने देख लिया सॉल्यूशन में थोड़ी सी हिंट, अच्छा इस क्वेश्चन में ये वाली डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ होगी इसमें, तो इसमें स्टोक्स थ्योरम यूज़ करके हो जाएगा ये, तो क्या हुआ दिमाग में आपने हिंट दे गए स्टोक्स थ्योरम, ये आपने कर भी लिया, यहाँ तो क्वेश्चन कर दिया, एग्ज़ाम के लिए आपने अपने आप को वीक बना लिया। उस हिंट की बैसाखी क्यों यूज़ करते हो आप, अपने माइंड को क्यों हैंडीकैप बनाते हो, जस्ट ए मिनट, अपने माइंड को हैंडीकैप मत बनाओ, उसका हिंट यूज मत करो। तो कैसे, एक लाइन का भी हिंट ले गए तो भाई अच्छी बात नहीं है, गड़बड़ आपने कर दी। इसलिए ज़रूरी है कि केवल और केवल क्वेश्चन, अब इस पर उलझ जाओ क्वेश्चन पर, ये लास्ट रिवीजन जो टेक्निक होती है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, ये मत सोचो कि इस तरह क्वेश्चन में करना हो लंबा होता जा रहा है, हो जाने दो, पहला टारगेट है फाइनल आंसर पर आना। अब उसमें आप सोचो, फिर देखो अब इसमें कि हो गया क्वेश्चन, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, पहली बात तो यह है कि अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे, शुड यू रेफर द सॉल्यूशन, मेरा कहना है नो, सॉल्यूशन अभी भी नहीं। तो अब आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी रिवाइज करो, केवल क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे मत देखो अभी, ये नहीं कि पेज पलट के सॉल्यूशन दे, अच्छा ये वाला था हाँ बस थोड़ा सा हिंट मिल गया कर दिया, वो ही तो नहीं करना है। अब आप इसकी थ्योरी पर जाओ, सरफेस इंटीग्रल कैसे था, क्या क्या टेक्निक थी, हो सकता है कि आपको इसके लिए चैप्टर 4 को पढ़ना पड़ जाए, फिर थोड़ा पढ़ लो कोई बात नहीं, फिर इसमें पता चले कि कुछ कंसेप्ट आ रही चैप्टर 2 की, ये भी पढ़ जाओ साथ साथ। कई बार होता क्या है, ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल वो बता रहा हूँ जो मैंने अपनी टेक्निक फॉलो करता था एग्ज़ाम के टाइम में, कई बार होता क्या है कि एक क्वेश्चन के लिए पता चला 5 घंटे लग गए, 2 चैप्टर रिवाइज हो गए, कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन एक क्वेश्चन नहीं हुआ 5 घंटे में, 5 घंटे में आप पता नहीं क्या क्या रिवाइज कर गए हो, कितनी कंसेप्ट आप क्लियर करके ले गए, फिर फाइनल आंसर तक आओ, वो तो बिल्कुल आखिरी की बात है कि सॉल्यूशन देखना उस क्वेश्चन का जब कुछ पता चले नहीं हो पा रहा है। इसी तरह अब चैप्टर 7 का क्वेश्चन उठा लो, फिर चैप्टर 10 का, पता क्या चलता है कई बार मुश्किल से 8-10 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि उसी से सारा सिलेबस रिवाइज हो जाता है हमारा, और वो होता है इफेक्टिव। तो मैंने कहा था 2 पॉसिबिलिटी, पहला तो ये कि क्वेश्चन आपका हो गया, उसका तरीका बताया कैसे एनालाइज किया, फिर सेकंड ये हो सकता है कि अगर क्वेश्चन नहीं हुआ तो बता दिया, हो तो गया क्वेश्चन लंबा हो रहा है ज़्यादा, अब आप सोचो कि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कहीं, अब यहाँ सवाल के कई जवाब हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि इस क्वेश्चन को आपने डायरेक्ट किया तो लेंथी हो गया, कोई थ्योरम लगा के शॉर्टकट इसका होता हो, हर सवाल का तो शॉर्टकट देखो नहीं होता, अगर आप ये सोचते हो हर चीज़ का शॉर्टकट, वो नहीं होता, इसका कोई दूसरा मेथड है क्या, फिर आप उस पर वर्क करो, जब पता चल रहा कोई भी मेथड नहीं है तो फिर आप अंदाज़ा लगाओ कि इस क्वेश्चन के बारे में लेंथी क्यों हो रहा है, अच्छा इसमें कैलकुलेशन लेंथी है इंटीग्रेशन वैसे तो ठीक है, तो आपको अंदाज़ हो जाएगा किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था पढ़ने के टाइम भी, अब तो रिवीजन के टाइम भी है, आप 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट मत करो, ये बात मैं फिर से लिख देता हूँ, रादर देन सॉल्विंग 5 क्वेश्चंस बेटर टू सोल्व 1 क्वेश्चन विद 5 मेथड्स। हर एक सवाल के 5 मेथड होते भी नहीं, इसको आप थोड़ा सा एक ईडीएम की तरह भी लो, मुहावरे की तरह भी, हर चीज़ में, अब ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन ही 5 तरीके से होगा, ये तो एक एग्जांपल लिखा मैंने, मतलब वो क्वेश्चन आपने किया था हर तरीके से करके देखो, क्यों, जब ही तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी कि कौन सी टेक्निक कितना शॉर्ट है। शॉर्टकट देखो इसलिए कुछ नहीं होता
किसी क्वेश्चन में मेथड वन शॉर्ट हो जाता है, किसी क्वेश्चन में मेथड टू, किसी में मेथड थ्री, वो आपको जब भी पता चलेगा जब आप सारे रास्ते देख कर आओगे। अंदर तो ऐसे लगाते हो भाई, या तो देखो रास्ते देखने आपको, या तो आप गूगल मैप करके किलोमीटर के टर्म्स में टाइम के टर्म में देखो, वो गूगल मैप तो है नहीं क्वेश्चन का, आप हर रास्ते पर जाकर देख कर आओ, मैं जाकर आया इतना टाइम लगा, मैं जाकर आया मुझे इतना टाइम लगा, मतलब हर पांच मेथड से जब आपने सोल्व किया जब आपको अंदाजा होगा कि किस केस में कौन सा मेथड शॉर्टकट है, ठीक है ना, विच मेथड। तो ये वाला और ये एक इस क्वेश्चन की वजह से इतनी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं। मैं इसलिए जैसे जैसे मैंने बताया हर सब्जेक्ट में कुछ क्वेश्चन में ज़रूर ऐसे कराता हूँ जिनमें बहुत सारी कंसेप्ट यूज़ आ जाए, भले कैलकुलेशन लेन देना हो उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन कुछ ऐसा। जैसे ध्यान दो टाइम रेस्पॉन्स कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि ईईसी का कॉमन सब्जेक्ट है, उसमें टाइम रेस्पॉन्स से मैं कंट्रोलर का क्वेश्चन ऐसा जरूर कराता हूँ जिसमें बिना इसके क्या होगा, एरर इंक्रीज होगी, डैम्पिंग फैक्टर दोनों कैसे होंगे, फिर रूट लोकस को रिलेट करता है कंट्रोल से क्या, उससे सारी कंसेप्ट समझ में आती हैं। एक चीज़ हो वाली, तो कुछ क्वेश्चन जो है वो आपका सपोर्ट बना देते हैं, बेस बना देते हैं। ये वाला इस एक क्वेश्चन के लिए चैप्टर रिवाइज ये तरीका, ठीक है ना, हर मेथड से क्वेश्चन सोल्व करने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा के पीछे मत भागो। अब इसमें बात आती है रिवीजन थ्रू टेस्ट, रिवीजन थ्रू टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज के लिए कौन सी टेस्ट सीरीज, कितने टेस्ट सीरीज, क्या वो रिवीजन काफ़ी हो जाएगा, ये कोई ज़बान से भरे ना कहते हो, हर स्टूडेंट ये सोचता है जब बहुत सारे टेस्ट देता है वो, एक ये मार्केटिंग गिमिक भी चल जाएगी, कई कई 50 टेस्ट 70 टेस्ट कराते हैं कोचिंग वाले, ठीक है ना, हम लोग भी वैसे ऐसे पार्ट ऑफ इंजीनियर जोन, हम भी बहुत सारे टेस्ट कराते हैं, हालांकि पर्सनली इतने ज़्यादा टेस्ट के फेवर में मैं होता नहीं, ठीक है ना। जैसे अगर आप ये सोचते हो कि बहुत सारे टेस्ट मैंने दे दिए, उनमें से कुछ क्वेश्चन एज इट इज मिल गए तो फ़ायदा हो जाएगा, बहुत प्रोबेबिलिटी पे खेल रहे हो, 1000 क्वेश्चन देने के बाद ये सोचते हो 10-15 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएंगे क्या मुझे, पहली बात तो गेट का क्वेश्चन क्या VS का भी डायरेक्ट तो नहीं मिलता, उसी कंसेप्ट पे जरूर मिल जाता है, तो केवल उन 15-20 क्वेश्चन से ही आपको फ़ायदा हो जाएगा क्या, हो सकता है मिल भी जाए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिलेक्शन तो नहीं होगा ना। टेस्ट सीरीज़ हम देते हैं अपने आप के सेल्फ इवेल्यूएशन के लिए कि हम कर पा रहे क्या क्वेश्चन, इसलिए नहीं कि इस तरीके का ट्रिक के क्वेश्चन आ जाएंगे रटे रटाए तो हम एग्ज़ाम में कर देंगे, ठीक है ना। देखो जनरली मेरे ख्याल से तो आइडियल कंडीशन मेरे लिए क्या होती है, वन टेस्ट फॉर ईच सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए एक एक टेस्ट एक सब्जेक्ट का, बीच बीच में सब्जेक्ट के जैसे क्विज होती है वो अलग चीज़ है थोड़ा, वो टेस्ट से अलग हो गया, कि जैसे कि हर वीक में हम क्विज करा देते हैं यहाँ अकेडमी पर, वो इससे अलग है। उसके बाद मेरे ख्याल से तो अराउंड 5 to 10 फुल लेंथ टेस्ट काफ़ी होते हैं, देखो अगर आपको एक हो फिर मैं इंजीनियर जोन एज ए पार्ट एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर जोन, तो हम 30-35 टेस्ट क्यों कराते हैं, कुछ लोग तो 70 भी कराते हैं। उसका देखो एक रीज़न तो ये है कि हर स्टूडेंट को मैं नहीं कहता कि पूरे 35 टेस्ट दो, भाई कोई स्टूडेंट ये वाला टेस्ट नहीं दे पाया तो अगला टेस्ट दे देगा, लाइव टेस्ट मतलब जिस हिसाब से दे लेगा वो, तो वो इसलिए ज़्यादा टेस्ट तो हम बना भी देते हैं। दूसरी बात बिल्कुल साफ साफ सा आंसर है भाई, जब सब लोग आपको दे रहे हो तो स्टूडेंट डिमांड करते हैं सर टेस्ट ज़्यादा हो जाएं, तो भाई ठीक है कर दो, ये स्टूडेंट को थोड़ा प्रेशर होता है, मार्केट का प्रेशर बोल दो आप, वैसे भी पर्सनली मेरे ख्याल से तो इतने टेस्ट बहुत होते हैं, 5 भी काफ़ी हो जाते हैं, चलो 10 आज के टाइम में मान लो। टेस्ट का फ़ायदा ही जब है जब आप पूरी तरह रिवाइज कर चुके, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है, बीच बीच में आप ज़्यादा टेस्ट दे रहे हो कि सोच रहे हो अब इतने तैयारी है अब ये है वो है नहीं। हाँ ये मेरे ख्याल से एक अच्छी टेक्निक होती है कि जो एग्ज़ाम बीच बीच में है वो ज़रूर दो,
एग्जामिनेशन हॉल में बैठने का जो एक्सपीरियंस है वो अलग होता है। भले तैयारी नहीं है, 3 महीने हुए तैयारी करते हुए, कोई एग्ज़ाम आ गया पीएसयू का तो जाकर दिया, उसमें मेरा अलग बात है, कहना वो अलग चीज़ है कि वो देने से आपको कितना भी होगा तो कुछ कॉन्फिडेंस आएगा मैं इतने क्वेश्चन कर पाया, नहीं कॉन्फिडेंस आएगा तो कुछ एक्सपीरियंस आएगा कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ था, मेरे रिविज़न में कमी रह गई। वो इस चीज़ से अलग होता है इस टेस्ट सीरीज से, वो जो देकर आते हो। तो यहाँ पर आइडियली ये वाले टेस्ट, और ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो आपको मैंने रिवीजन स्ट्रेटेजी बताई, स्टडी के लिए तरीका बताया था इससे पहले भी, वो हैम्पर ना हो टेस्ट सीरीज से। पता चला कि एक वीक में 4 घंटे तो मिले थे रिवीजन के लिए, या 8 घंटे किसी एक दिन, उसमें से भी 3 घंटे टेस्ट में निकल गए, तो भाई आपने रिवाइज क्या किया, है ना? सिर्फ किस लिए? कि ये देखने के लिए कि मैं कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, वो तो आपको वैसे अंदाजा, तो वेस्ट मत करो टाइम, ठीक है ना। टाइम देखो बहुत प्रीशियस होता है, आप मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह जानते हो आपका टाइम प्रीशियस होता है यंग एज में, ठीक है ना, 1-2 साल बहुत क्रूशियल होते हैं, तो इसे वेस्ट ना किया जाए, इफेक्टिवली और इफिशेंटली यूज़ किया जाए, ठीक है ना। तो ये बात इसमें समझ में आई, टेस्ट कितना देना है कितना नहीं, रिवीजन के लिए क्या करना है क्या नहीं। ये काम आप कर सकते हो कि सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए, जस्ट मिनट, हाँ सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए, कि आप लोगों को लगा कि मेरा सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो गया, अब मैं ऐसा करता हूँ ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, ये लेकर अपने रूम में बैठ के 3 घंटे कोशिश करता हूँ सोल्व करने की, कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, वो चीज़ें तो अलग हैं। फिर भी क्या आप उसमें, आपको अपनी स्पीड का एक्यूरेसी का पता चल रहा है कुछ, लेकिन हैम्पर ना करो अपना स्टडी का टाइम और अपने रिवीजन का टाइम। पता क्या चलता है बाद में, जैसे कि आप कई कमेंट भी देखोगे स्टूडेंट के कि इस बार कुछ सब्जेक्ट बिल्कुल छूट गए थे, बिल्कुल तो नहीं छोड़ने हैं कोई सभी सब्जेक्ट, हालांकि सब्जेक्ट को भी देखा था मैंने जब स्ट्रेटेजी बताई थी, कुछ कैटेगरी में बांट दिया था, बेसिक सब्जेक्ट, ठीक है ना, रैंक डिसाइडर, रैंक बूस्टर सब्जेक्ट के कौन से हैं, कितना पढ़ना है, किसके लिए क्या करना है, वो सारी चीज़ें कई मैंने उसमें सेशन आपको लिए हैं उसमें बताया भी है। वो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी अलग चीज़ हो गई। तो अगर आपने 1-2 सब्जेक्ट पूरी तरह ही छोड़ दिए, पता चलता है कि कोई कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जो जिसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा तो है नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक सब्जेक्ट है, गेट के लिए गेट बस का वेटेज बहुत कम है, इस बार ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन उसके ऐसे थे जो वेक्टर कैलकुलस के भी थे, तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि ईएमटी के क्वेश्चन ज़्यादा थे या वेक्टर कैलकुलस मैथ का और ईएमटी मिलाकर, चलो खैर कुछ भी, लेकिन उसका सिलेबस ही बहुत कम है, 15 घंटे क्लास हो जाती है। तो अगर 15 घंटे लगाकर पढ़ने से उस सब्जेक्ट की कंसेप्ट दूसरी जगह भी यूज़ आती हैं, अगर उसमें 4 नंबर बन रहे हैं फिर तो बढ़िया है ना, वो वेटेज बहुत कम है 3 या 4 नंबर, लेकिन टाइम भी तो कम देना पड़ रहा है, तो उस सब्जेक्ट को भी पढ़ना है छोड़ना तो नहीं। हाँ माइक्रो प्रोसेसर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऐसा है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी गेट में उसका वेटेज ही नहीं है, 1 या 2, 1-2 नंबर का, वो आप अलग बात है छोड़ दो। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी चीज़ें आप छोड़ जाओ, पता चल रहा है कि उसमें सिर्फ सब्जेक्ट में 10 घंटे का काम है पढ़ने का, उसी में से क्वेश्चन के चांस है बनने के, तो क्यों छोड़ दो भाई, किस लिए? कि बाकी सब्जेक्ट रिविज़न कर रहे हो। और रिवीजन का देखो, जो मैंने इसमें बताया था आपको टाइमिंग के बारे में या ड्यूरेशन, ये वाला डेली रूटीन क्या है, ये क्या है और वो क्या है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जे फॉर एग्जांपल थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स लेवल तो सेम नहीं, एक सब्जेक्ट लेंथी है, एडवांस सब्जेक्ट है, एक बेसिक है। इसी तरह नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को कंपेयर नहीं कर सकते, उसमें ज़्यादा भी टाइम चाहिए होता है, वो सब आप थोड़ा सा इसमें कर सकते हो मॉडिफाई। आपको लगता है कि डेली मेरे लिए पॉसिबल नहीं, एक दिन छोड़कर एक दिन कुछ ऐसा कर लें, तो एक मैंने थोड़ा सा आपको फ्रेमवर्क इस सेशन में बताया है, ढांचा सा बताया उसमें, अब आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन रिवीजन स्ट्रेटेजी का जो मेन सार था वो आपको बताने की कोशिश की है मैंने, 2-3 चीज़ें।
कि पहला रिवीजन कैसा है, क्वेश्चन के थ्रू, टेस्ट के थ्रू किस तरह, ये वाली सारी चीज़ें ना। अब बाकी इसमें जो आप लोगों के जैसे कमेंट आते हैं, क्वेश्चन होंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे कि भाई क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। तो बहरहाल देखिए, जैसे कि थोड़ा बहुत जरा इसमें कोर्सेज के बारे में बता दें आपको, ये प्रीलिमिनरी का कोर्स, ये मेन का, ये यूपीएससी का, गेट का कोर्स है इसमें साथ साथ ही। तो इसमें जैसे मैंने आपसे कहा था, ये यूट्यूब सेशन है, फ्री क्लास होती है, स्पेशल क्लास जो अनएकेडमी ऐप पर होती है वो भी फ्री होती है। उनमें भी मैंने आपके सजेशन कहे थे कि किस टॉपिक पे रखा जाए। उसमें कुछ स्टूडेंट का कहना था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दीजिए गेट के, क्योंकि इससे पहले गेट ईएस कैटेगरी अलग अलग थी, तो ईएस में मेरी क्लासेज हो रही थी ज़्यादा, गेट में क्लास अभी शुरू किया मैंने, तो गेट का क्वेश्चन नहीं करा पाया था मैं प्रीवियस ईयर के, वो सीरीज़ करा दी जाए। दूसरा उसमें स्टूडेंट का ये कहना था कि सर कुछ स्ट्रैटेजी बताएं पढ़ने के लिए, बीच बीच में कुछ मॉरल बूस्ट मिल जाए। तो मैंने आपको बताया कुछ मोटिवेशनल क्लासेस, ठीक है ना, तो उसी अकॉर्डिंग ये वाली क्लासेस कराई हैं। बाकी आप जैसे कहेंगे तो इसमें बता देंगे। जहाँ तक बात है कि अपने आप को मोटिवेट कैसे रखना है, मॉरल कैसे हाई रखना है, निराशा को, डिसअपॉइंटमेंट है, इसको कैसे छोड़ना है, क्या करना है, देखो सब बातों का एक जवाब तो यह है कि पढ़ाई तो करनी ही पड़ती है। अब ये ज़रूर है कि पढ़ाई करने के लिए अपने आप को मोटिवेट कैसे, भाई सीधी सी बात है, टारगेट क्या है, टारगेट है जॉब को पा लेना। वो अलग बात है कि वैकेंसी कम है या ज़्यादा है, बस इस बात को थोड़ा सा एक तरफ कम सोचना है इस तरफ। देखो जब कभी ऐसा आता है, जैसे कि इस बार प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के बाद रेलवे हटा देता ईएसए, एक नोटिफिकेशन आया था, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट में बहुत निराशा हुई थी एकदम। कुछ स्टूडेंट तो गुस्सा भी आया था, ये लगा भी था कि कुछ ने कहा था कि मेरा टाइम इतना प्रीशियस था, मैंने जॉब छोड़कर तैयारी की, मेरा लास्ट अटैम्प्ट था, अब रेलवे हटा दिया, मुझे क्या करना है, मेरे लिए तो ईएस का मतलब रेलवे था। ये ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसी बातें आई थी, बहुत निराशावादी चीज़ें थी भी। मैं नहीं कहता कि नहीं हो सकता, ये ऑब्वियसली देखो किसी के भी साथ होता है, मेहनत करते हैं कई बार फिर चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं, हमारी गलती भी नहीं होती, गुस्सा तो आता ही है। बस वही है कि ज़िंदगी नाम है आगे बढ़ते रहने का, ये नहीं तो कुछ और पढ़ाई देखो कभी बेकार नहीं जाती, भले ही डिग्री कितना काम आती है कितना नहीं वो तो अलग बात है, उस डिस्कशन में तो मैं नहीं जाता डिग्री काम आती है या नहीं, लेकिन पढ़ाई जो है वो कभी काम नहीं, बेकार नहीं जाती, नॉलेज तो काम आती है। अपॉर्चुनिटी कब कौन सी आएगी, ये तो अभी हम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अभी मैं आपको बता दूं कि उसकी बम्पर वैकेंसी आ जाएंगी, वो बम्पर वैकेंसी आ जाएंगी, क्या आएगा क्या नहीं। इतना ज़रूर है, मेरा मानना है कि आप अपने जो हैं आर्म, अपने अस्त्र और शस्त्र वो तैयार रखो पूरी तरह। भाई जंग शुरू हो जाए तो जंग में उतर तो जाओ तैयारी के साथ, ठीक है ना, कि पता चला कि 2 महीने का टाइम मिला है, जैसे यूपीपीएससी का एग्ज़ाम आया था इलेक्ट्रॉनिक्स की, अनफॉर्चुनेटली वैकेंसी नहीं इसमें, तो जिन लोगों को जैसे इस बार गेट और ईएस की तैयारी की थी, गेट ईएस नहीं हो पाया सही से, उनके लिए है ना एक विंडो अवेलेबल कि यूपीपीएससी में अच्छा कराओ, उसी तैयारी से काम आ गया ना प्रिपरेशन। कहने का मतलब होता है कुछ इस तरह, कहीं ना कहीं घूम फिर कर। और जब एक और बात है, अभी आपके पास करने के लिए और है क्या, भाई ठीक है जिस किसी को जॉब मिल गई प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी और वो हैप्पी है अपनी जॉब में, तो कोई बात नहीं, पढ़ाई छोड़ दो फिर खुद अलग बात है। लेकिन जो लोग पढ़ाई कर ही रहे हैं अभी और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं यहाँ पर ये तैयारी करनी है, तो उनके लिए तो एक ही काम है कि भाई ठीक है मेहनत करो भाई पढ़ाई करो। तो टारगेट आप अपना ध्यान रखोगे तो पढ़ाई में ऑब्वियसली मन लग जाएगा। जिस दिन आपको ये रियलाइज़ होगा कि गेट में एग्ज़ाम में मैं 70 मार्क्स तो स्कोर कर ही रहा हूँ किसी पेपर में, इतने क्वेश्चन बना रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन बनने लगे, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बहुत अच्छा हो जाएगा। और वो आएगा जब ही जब आप साथ साथ पढ़ते चलोगे। बस यही है कि राइट ट्रैक पर होना चाहिए। देखिए क्योंकि स्पीड जब ही बनती है जब ट्रैक भी अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि केवल हम बहुत अच्छी कार लेकर चलते, जैसे कहते हैं ना कि फेरारी इंडियन रूट्स को, इंडियन रोड को सूट नहीं करती,
उसका कुछ ग्राउंड क्लियरेंस कम होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उसमें, है ना, स्पीड पकड़ती नहीं वो, सीधी सी बात है भाई। उसके लिए रोड भी तो चाहिए ना। तो ऑब्वियसली मैं ये चाहता हूँ आप में जो पोटेंशियल है, आपकी स्पीड है, आप मेहनत करना चाह रहे हो, बस उसे एक राइट डायरेक्शन हम दे दें, ठीक है ना। हम आपको डायरेक्शन दिखा दें गूगल की तरह कि ये रोड सही है, यहाँ से जल्दी चले जाऊँगा यहाँ से, और वो कोशिश रहेगी, हम वो काम आगे भी करते रहेंगे। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में फिर, है ना। बाय द वे, आई विश ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।